मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बात करने जा रहे हैं आजम खान की, जो कि जेल से रिहा हो गए हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। रामपुर से विधायक आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं और रिहा होने के बाद वो बाहर भी आ गए हैं। आपको बताते चले कि उनको लेने के लिए खुद शिवपाल यादव पहुंचे हैं। इसके अलावा सपा के कई नेता बताए जा रहे हैं जो कि मौके पर मौजूद हैं। 27 महीने से आजम खान जेल में बंद थे और अब जब वो बाहर निकले हैं तो ऐसे में राजनीति गरमाना तय है। लेकिन उनके बाहर आने के बाद राजनीति कैसे गरमाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या आजम खान जेल से छूटने के बाद, रिहा होने के बाद, अखिलेश यादव से और मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए जाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि पिछले 27 महीने से आजम खान जेल में बंद है, उन पर कई मुकदमे चल रहे थे और आखिरकार उनको गुरुवार देर रात उनकी रिहाई का जो आदेश था वो पहुंच गया जिला कारागार, जिसके बाद आज यानी कि शुक्रवार को उनको रिहाई दे दी गई। उनको बाहर का रास्ता जेल से दिखा दिया गया है। अब आजम खान के जमानत मिलते ही यूपी की सियासत तेज हो गई है। उनके सूबे की सियासत क्या नया मोड़ लेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच अब जो नेता है आजम खान, उनके समर्थक बहुत ज्यादा खुश है। और अब ये बड़ा सवाल होगा कि आजम खान के समर्थक जो कि अखिलेश यादव से नाराज थे, तो ऐसे में ये सियासी समीकरण किस तरफ मुड़ेगा। वैसे आपको बता दें, कुछ वक्त पहले से खबरें आ रही हैं कि शिवपाल यादव भी अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। और अब खबरें ये हैं कि आजम खान और शिवपाल यादव एक साथ मिलकर भी कोई संगठन खड़ा कर सकते हैं। खैर, ये सिर्फ खबरें हैं, आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल तो बड़ी खबर यही है कि आजम खान 27 महीने के बाद जेल से रिहा हो गए हैं और उनको लेने के लिए खुद शिवपाल यादव पहुंचे। जो भी अपडेट इस मामले पर आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।